अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है एक बड़ी बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आज हम लोगों ने एक बहुत नायाब कबूतर पकड़ा है। अभी देखें अपने कबूतर हम लोगों ने खोले। सुबह में जो है बारिश हो रही थी और बारिश से पहले फैसल उस्ताद सुबह सुबह में आके छत पे बैठे हुए थे। देखें अभी उन्होंने पीछे जाके निकाल रहे, जाल में छोड़ा हुआ है सुबह से उसको। तो देखें काफी ज्यादा फड़क दे रहा है और फड़क इसकी बहुत अच्छी, कबूतर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो यार बहुत प्यारा है। मैं तो सो रहा था दोस्तों, फैसल उस्ताद सुबह सुबह में आए, मुझे बता रहे थे कि ये अपनी छत के आसपास ही उड़ रहा था। तो मैंने कबूतर खोले और वो डायरेक्ट आके टंकी पर उतर गया। तो देखें पीछे फैसल उस्ताद उसको निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो बहुत छलांगे मार रहा था अपने कबूतर। अभी हम लोगों ने खोले, बारिश रुकी है, बारिश हो रही थी दोस्तों सुबह में जब फैसल उस्ताद ने वो पकड़ा तो बारिश हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने कबूतर बंद करके रख दिए, खोले नहीं। तो अभी थोड़ा बहुत मौसम सेट हुआ था तो हम लोगों ने अपने कबूतर खोले और अभी आपको वो कबूतर निकाल के दिखाते हैं। उसके पर भी बांधने, उसने दाना वगैरह भी नहीं खाया हुआ, सुबह से भूखा हो रहा है वो काफी ज्यादा। तो अभी उसके पर बांधते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं। लेकर आओ, दिखाओ जरा 2 सेकंड के लिए, फिर उसके पर बांधते दोस्तों। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा कबूतर है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा कबूतर है। ये आंखें देखें इसकी, दिखाना आंख दिखाना। 2 गली का बेबी पिजन है दोस्तों और आंखें देखें इसकी माशाल्लाह से काफी क्लियर है। कौन सी ब्रीड से आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में। और पर वगैरह दिखाओ, ये देखें दोस्तों पर देखें इसके माशाल्लाह, इतने लंबे लंबे पल्ले हैं इसके और बहुत प्यारा कबूतर यार, हाई फ्लेयर में माशाल्लाह हाथ से निकल रहा है। तो अभी इसके जल्दी जल्दी से पर बांध देते हैं और इसको छोड़ेंगे नीचे, दाना पानी कराएंगे इसको। काफी अच्छा कबूतर है माशाल्लाह से, नस्ली कबूतर है, आसमानों पे उड़ने वाला। तो इसके पर बांधते हैं, टेप निकाल लो। तो दोस्तों अभी इस कबूतर के जो है हम लोगों ने पर बांध दिया और इसको मैं नीचे छोड़ देता हूँ। देखें पानी प्यासा हो रहा है, मेरे ख्याल में हाँप रहा है काफी ज्यादा और भूखा भी हो रहा होगा, पेट देखें इसका सारा खाली पड़ा। तो मैं इसको छोड़ता हूँ और अभी इसको दाना पानी कराते हैं। ये चला गया, पर बांध दिए दोस्तों हम लोगों ने इसके और मैं आपको शौक करा देता हूँ नीचे बैठे हुए का पूरा कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यार माशाल्लाह से कितना प्यारा है यार, ये काफी अच्छा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बड़ा मजेदार कबूतर है। इसको हिलाएंगे दोस्तों अभी थोड़े टाइम बाद इसको खोलेंगे। और आज एक दूसरे कबूतर के हम लोगों ने पर खोलने जो कि हमने पकड़ा था, तो वो कहाँ है दूसरा वाला, ये वाला टेडी के भी 2-3 दिन बाद खोलेंगे। हाँ इस वाले के आज पर खोल रहे हैं, इस वाले के पर खोल दो पकड़ के। और कलर मारने इसको अभी नहीं मारने, कलर मार देते हैं यार, कलर मार देते वरना उड़ जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा अपना कबूतर है किसका कबूतर है ना। कलर मार देते हैं, हरा पर्पल लेकर आता हूँ मैं इसको, कलर भी मारते दोस्तों अभी। जब तक तुम पर खोलो मैं कलर लेकर आ रहा हूँ। कबूतरों को पर खोलने मैं चूजों को जाके खुराक डालता हूँ, चूजे अपने भूखे हो रहे हैं। सुबह में मैंने जब बारिश हो रही थी तो खोल दिए थे, बाजरा इनको डाला मैंने, लेकिन ये लोग बाजरा नहीं खा रहे थे। आज फिर से बाजरा नहीं खा रहे, पता नहीं क्यों इनको क्या हो गया। 1-2 दिन दाना खाते हैं, बाजरा फिर छोड़ देते हैं खाना। तो मैं इनको खुराक डालता हूँ, तो मैं इनको खुराक डाल देता हूँ, कल डाली थी और अभी डाल रहा हूँ। देखें माशाल्लाह से फीड जो है काफी शौक से खा रहे हैं लोग, बाजरा पता नहीं क्यों नहीं खाते। तो मैं इनको अभी फीड ही दे रहा हूँ आजकल, और मिक्स घीली रोटी दे रहा हूँ फीड के साथ साथ। तो चलें अभी इनको खुराक डाल दी, अभी जाते हैं उस कबूतर को कलर करते हैं। तो दोस्तों देखें इस कबूतर के पर जो है हम लोगों ने खोल दिया, अभी इसको कलर मारना है तो कलर मारते हैं। अभी मैं देखें कलर ले आया था ग्रीन एंड पर्पल, तो इसको कलर मारते पहले ग्रीन। तो दोस्तों देखें इसको ग्रीन कलर मार दिया और फैसल उस्ताद आपको एक खुशखबरी की खबर सुनाएंगे। बताओ वो दूसरी खुशखबरी आज की, दूसरी अंडो वाली बताओ। व्हाइट वाली ने दोस्तों अंडा दे दिया, व्हाइट वाली ने। तो दोस्तों हमारे बजरी के एक और प्यार ने अंडे दे दिए। कल हम लोगों ने चेक किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं चेक करूंगा, मेरे से गेट नहीं खुला था। बाद में फैसल उस्ताद आए, हम लोगों ने चेक किया। तो फैसल उस्ताद बताओ क्या हुआ। दोस्तों वो मैंने चेक किया ना, उसमें एक मादी ने अंडा दिया हुआ था, व्हाइट वाली। तो व्हाइट वाली ने भी दोस्तों माशाल्लाह से अंडे दे दिए हमारे। मैं आपको भी दिखाऊंगा, पहले इसका कलर सुखा लें पर्पल कलर मार के, फिर आपको जाके उसके अंडे दिखाते हैं। दोस्तों अभी इसको पर्पल कलर भी मार दिया और सुखा रहे थे फैसल उस्ताद, तो अभी इसको छोड़ दो। ये चला गया और ये देखें फैसल उस्ताद को गंदा कर दिया इसने हाथ। देखें ये कलर उड़ा के गए ये सारा, और बॉडी चेक करें फैसल उस्ताद की। बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ, बॉडी दोस्तों बॉडी देखें माशाल्लाह से फैसल उस्ताद का। अंडा देखें, शर्म आ रही है फैसल उस्ताद को। और पीछे देखें अपने मुबशर भाई भी आए हैं। मुबशर भाई सलाम कर दो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों चले अभी आपको फैसल उस्ताद का अंडा दिखाया, अभी तोतों के अंडे दिखाते हैं, चलते हैं तोतों वाली साइड पे। देखें हंस रहे फैसल उस्ताद, चलें दिखाएं। दोस्तों मैं अभी दिखाता हूँ, गेट खोल दिया और ये ओए 1 सेकंड आगे ही बैठी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसने भी दोस्तों माशाल्लाह से अंडे दे दिए। देखें अंदर ही बैठी हुई है, अभी दिख नहीं रहे, मरता नहीं। नहीं जिंदा है।
पीली वाली के दिखाता हूँ। नजर आए। हाँ ये देखे दोस्तों, माशाल्लाह से अंडा दिया हुआ है। पता नहीं अभी दूसरा दिया ही नहीं दिया, कल एक दिया हुआ था, अभी भी एक ही है। दूसरा भी होगा शायद मेरे ख्याल में नीचे, क्या पता देगी एक दो दिन में, देखता हूँ मैं। एक सेकंड भाई, एक ही दिया हुआ है अभी तो फिलहाल, देखते हैं और कितने दिन में देती हूँ। वो अभी निकल जाता। तो मैं दिखाता हूँ पीछे उस मटकी में, तू मुझे बताना है नहीं, तो नहीं है। ये लोग हमेशा अंदर बैठे होते हैं लेकिन अंडे पता नहीं क्यों नहीं दे रहे यार ये लोग। उस वाली मटकी में दोस्तों चार अंडे, इस वाली मटकी में भी एक अंडा है, तो देखते हैं और कितने जोड़े और कितने अंडे देती है ये वाली मटकी में, और कितने अंडे आते हैं। को उम्मीद है कि चार पाँच आ जाएंगे ताकि बच्चे निकले हैं दादा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जिस कबूतर के पर खोल के कलर किया उसको थोड़ा बहुत फड़काते हैं जाल वगैरह पे, टंकी वगैरह पे बिठाते हैं, तो अभी उसको देखो कहाँ है उसको थोड़ा बहुत फड़काते हैं दोस्तों। आज वो घूम रहा, वो रहा, पकड़ो इसको, थोड़ा बहुत उड़ाओ, फड़क लगाओ इसकी। देखो दीवार पे बैठाए हैं हम लोगों ने ये थोड़ा सा अच्छी फड़क दो ना, तो नीचे ही बैठ रहे पर तो गीले तो नहीं हो रहे उसके। ये चला गया जाल पे चला गया। और देखें वो जो वहां पे एक कबूतर बैठा हुआ है, ये कबूतर बैठा हुआ है जिसकी वजह से हमने अपने कबूतर दीवार पे बिठाए। अगर वो आ गया तो उसको आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, पकड़ लिया अगर तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। तो अपने कबूतर अभी दीवार से नीचे उतर गए, तो इसको कोशिश करते हैं कि आ जाए, आ गया तो सही है। तभी फैसल उस्ताद कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आ जाए अपनी छत पर, दीवार पर दाना डाल लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।